आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 5 अगस्त 1868, बी 2 अक्टूबर 1869, सी 10 जनवरी 1870, डी 22 अक्टूबर 1872। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869। आपका दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। आपका तीसरा सवाल है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए करमचंद गांधी, बी मोहनदास गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी हीरालाल गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करमचंद गांधी। आपका अगला सवाल है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है ए सावित्री बाई, बी पुतली बाई, सी कस्तूरबा बाई, डी अहिल्या बाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुतली बाई। आपका अगला सवाल है, गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए मोहनदास गांधी, बी करमचंद गांधी, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। आपका अगला सवाल है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए सूरत, बी पोरबंदर, सी राजकोट, डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोरबंदर। आपका अगला सवाल है, गांधी जी किस जाति के थे? ऑप्शन है ए पंडित, बी कायस्थ, सी चमार, डी वैश्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैश्य। आपका अगला सवाल है, गांधी जी का विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? ऑप्शन है ए 10, बी 13, सी 15, डी 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 13 वर्ष। आपका अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है ए कस्तूरबा बाई, बी अहिल्या बाई, सी जानकी बाई, डी सावित्री बाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कस्तूरबा बाई। आपका अगला सवाल है, गांधी जी की कितनी संतानें थी? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। आपका अगला सवाल है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? ऑप्शन है ए जर्मन, बी लंदन, सी साउथ अफ्रीका, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लंदन। आपका अगला सवाल है, गांधी जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए बापू, बी राष्ट्रपिता, सी लौह पुरुष, डी ई एवं बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ई एवं बी दोनों। आपका अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी पंडित गोपालाचार्य, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है ए रवींद्रनाथ टैगोर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रवींद्रनाथ टैगोर। आपका अंतिम सवाल है, महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 26 अगस्त 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 12 अक्टूबर 1949, डी 23 फरवरी 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948।